हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो नया लेटर जारी हुआ है, आज वो आपको बताने वाले हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में डेली बदलाव होते जा रहे हैं। कुछ ना कुछ नए नए चेंजमेंट किए जा रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार से रोजगार दिया जाए, किस प्रकार से बच्चों का आराम से सिलेक्शन हो, किस प्रकार से जो बेरोजगारी दर हरियाणा की बढ़ी हुई है उसको कम किया जाए, उसका ऊपर लेकर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर डेली चेंजमेंट किए जा रहे हैं। नए लेटर जारी होते रहते हैं, वो आपके बीच में शेयर करते रहते हैं, उसका आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। किसी भाई और बहनों ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अपना फॉर्म लगा रखा है तो अवश्य आपको सिलेक्शन मिलेगा, क्योंकि भाई और बहनों हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पिछले कुछ दिनों में काफी चेंजमेंट हुए हैं। उनके पोर्टल पर भी काफी चेंजमेंट आए हैं, नए नए जो पोर्टल का नई नई वेबसाइट पर कुछ ना कुछ नए नए चेंजमेंट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार से अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो इस लेटर को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी हरियाणा वासियों के लिए। हरियाणा विभाग का जो लेटर जारी हुआ है बिजली विभाग में, वो किस प्रकार से आपके लिए इस लेटर में क्या लिखा गया है, क्या क्या प्रोसेस दिया गया है, इस वीडियो में आपको फुल इंफॉर्मेशन देंगे। पूरा इस वीडियो में डाउट है वो क्लियर करेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के फॉर्म भरने वाले सभी भाई और बहन इस वीडियो को ध्यान से सुनना। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो काम की बातें हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कुछ चीजें समझ में ना आती हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ लेना, अन्यथा कोई भी भाई गुरु बहन कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी अपडेट समझ में ना आता हो, अगर आपको कोई अपडेट्स वगैरह में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है हरियाणा कौशल रोजगार निगम की, भाई गुरु बहनों मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का आपने कोई पहले का फॉर्म अप्लाई कर रखा है जिसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई अपडेट नहीं मिल पा रहा, तो एक बार मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प करेंगे, जो भी आपका डाउट रहेगा उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अगर कोई भाई गुरु बहन कॉमेंट करता है तो उसका कॉमेंट का रिप्लाई भी मिल जाएगा। टेलीग्राम पर कोई मैसेज करना चाह रहा है तो टेलीग्राम पर ही मैसेज कर लिया करो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है वहां से जाइए, आप मुझे टेलीग्राम पर ही मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो बिजली विभाग का जो लेटर आ रखा है एक बार आपको दिखाते हैं, बताते हैं, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, ये लेटर बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा होगा मेरे सभी भाई और बहनों को, क्योंकि हरियाणा बिजली विभाग का ये लेटर रहने वाला है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का ये लेटर आप सभी के सामने रहेगा, जिसके अंदर मेमो नंबर भी डाल रखा है। डेट आज की रहने वाली है 3/11/2023 का, जिसके अंदर सब्जेक्ट में क्या लिखा गया है कि एक्सटेंशन ऑफ आउटसोर्स वर्किंग, जो आपका 89 डेज हरियाणा कौशल रोजगार निगम का था उसको लेकर क्या लेटर लिखा गया था। चीफ ऑफ इंजीनियर डीएचबी हरियाणा जो कौशल रोजगार निगम के तहत ये लेटर आपके सभी के सामने रहेगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत ये लेटर हिसार के जो चीफ इंजीनियर है ऑफिसर उनको ये भेजा गया है। इन दिस कनेक्शन जो आपका लिखा गया कि कनेक्शन के रिगार्डिंग ये लेटर रखा जाएगा कि द इमीडिएट द पीरियड एएलएम हु आर द एंगेज्ड 89 डेज आउटसोर्स बेसिक एचक्यूआरएन फॉर मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस के लिए कंटिन्यूटी पावर सप्लाई के लिए जो बंदे रखे गए थे 89 डेज के लिए, द पीरियड ऑफ आउटसोर्स बेसिक एंगेज्ड जो 89 डेज कंप्लीट हो चुका है 1/10/2023 को, जिसका पेंडिंग रह चुका है 36 डेज रिक्वायर्ड मेंटेनेंस के कंटिन्यूसली पावर सप्लाई फॉर द रेस्पेक्टेड जो आपके ऑफिस वगैरह होंगे ड्यू टू एक्चुअल शॉर्टेज ऑफ स्टाफ के तहत जो सर्किल में, जिसके तहत इसमें साफ साफ ये चीजें लिखी गई 89 डेज के लिए जो कंप्लीट आपका आउटसोर्सिंग वर्किंग डेज था 89 डेज का हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ 1/10/2023 के, बाकी जो आपके जो 36 डेज बच गए हैं रिक्वायर्ड बच गए हैं उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। काइंडली प्रोवाइड द नेसेसरी अप्रूवल फॉर द एक्सटेंशन सर्विस फर्दर द हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो डिवीजन लेवल है उसको ये लेटर भेज दिया गया है कि हमें जल्द से जल्द अप्रूवल डलवाए। सीओपी सर्किल डीएचबी एंड हरियाणा सरकार के तहत के लेटर आप सभी के सामने दिया जा रहा है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम का ये लेटर आप सभी के सामने है। तो भाई गुरु बहनों, अगर आप दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में काम करते हैं, हिसार की इंफॉर्मेशन है, क्योंकि अपना दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का जो ऑफिस है चीफ इंजीनियर साहब वहां पर बैठते हैं तो वो हिसार में बैठते हैं, हिसार में लेटर भेज दिया गया और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण का जो भी आगे भविष्य में लेटर आएगा, कोई भी जानकारी आएगी, आपको इसी टाइप से फुल इंफॉर्मेशन हर एक चीजों की मिलती रहेगी। तो लेटर भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, वहां से आप बिल्कुल आराम से पढ़ लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई डाउट रहता है, कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना। आने वाले बिजली विभाग की भर्तियों की नोटिफिकेशन कोई भी आएगी सबसे पहले जानकारी देंगे, चाहे बिजली विभाग का हो, चाहे जल विभाग का हो, कोई भी वन विभाग का लेटर आए, कोई भी पशु हॉस्पिटल में आए, मानव हॉस्पिटल में आए, कोई भी सिविल हॉस्पिटल वगैरह में कोई भी वैकेंसी आएगी, चाहे डीसी रेट जॉब आए, चाहे हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्ती आएगी।
आप सभी बोलना चाह रहे होंगे सर हरियाणा में डीसी रेट जॉब तो खत्म हो गई है, अब हरियाणा में डीसी रेट जॉब्स कहाँ से आएंगे। भाई और बहनों काफी विभाग के थ्रू भी जॉब्स चलती रहती है, अगर आपको पता नहीं चल पाता तो हम आपको बताएंगे, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो विभागीय भर्ती चलती रहती है वो डीसी रेट जॉब्स के भी तहत होती रहती है, इंटरव्यू बेस पर सलेक्शन होता है, वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। क्योंकि थोड़ा सा अगर आपको जॉब चाहिए तो अपडेट आपको होना पड़ेगा, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे पूरे हरियाणा में कंटिन्यू आपके बीच में शेयर करेंगे। तो भाई और बहनों जो भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक आपने हमारे वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आने वाले हर एक लेटर मिलेंगे, हर एक जानकारी मिलेगी और कोई भी आपका डाउट रहेगा तो उसका समाधान भी कर आपको बताएंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और ये लेटर अगर आपको चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, 89 डेज के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो रिक्वायर्ड आउटसोर्सिंग वर्किंग डेज थे उनके लिए लेटर ये लगाया है। तो अगर हरियाणा दक्षिण कौशल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में आप काम कर रहे हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत, तो ये लेटर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अपना जो लेटर वगैरह आपका रिन्यू का जो टाइम आता है उससे पहले एक महीने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स में लग जाया करो, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो लगे हुए स्टूडेंट है तो आपको वहां पर रिन्यू करवाने में दिक्कत नहीं आएंगे। बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स में दिक्कतें आती है, आपका रिन्यू नहीं हो पाता है टाइम पर तो आप बाहर हो जाएंगे। तो जितना जल्दी हो सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जिसका भी रिन्यू आ रखा है अपने पहले से पहले अपने डॉक्यूमेंट सभी रेडी रखें और जल्द से जल्द अपना रिन्यू करवाने का जो सिस्टम है उसमें लग जाए, और आगे कोई भी आपका अपडेट्स आएंगे कोई भी भर्ती आएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम की सबसे पहले आपको सबसे फास्ट जानकारी देते रहेंगे। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई गुरु बहनों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।